तो 11 जिलों की 51 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं और पल पल की अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर भी आपको दे दें, अमेठी के पारसोली गांव में लोगों ने वोट का बहिष्कार किया है और लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए हैं। मूलभूत समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरे हैं लोग और वोटिंग का बहिष्कार किया है लोगों ने। अमेठी से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है। तो आज जिन जिलों में वोटिंग हो रही है उसमें अमेठी जो कि हॉट सीट है वो भी शामिल है और अमेठी के पारसोली गांव में कुछ लोगों ने वोट का बहिष्कार किया है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर मूलभूत सुविधाएं उनको नहीं मिलेंगी तो वो वोट नहीं देंगे। कहाँ चलना है? इसे बात की गई, कुछ लोगों ने कहा कि साहब इसमें जो लिंक रोड है वो टूटी हुई है, इसको सही कराना चाहिए। बीच में कुछ पीडब्ल्यूडी द्वारा पैचिंग का काम कराया भी गया था, लेकिन ये लोग असंतुष्ट नहीं है, नई रोड चाहते हैं। क्योंकि समझा बुझा जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है कि लोग मतदान करें। कब से बहिष्कार किया गया था मतदान? ये लोगों ने मतदान से बहिष्कार के लिए कुछ दिन पहले बात हुई थी, जिसको बीच में वार्ता भी की गई थी, इसमें कई अधिकारी भी आए थे, उनको समझाया बुझाया भी गया था। लेकिन ये चाहते कि नई रोड बने, चूँकि वर्तमान में आचार संहिता प्रभावी है, नई रोड का निर्माण नहीं हो सकता। उनको समझा बुझा जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है कि मतदान करें लोग। वहीं वोटिंग के दिन भी बीजेपी नेता राम राम करने से परहेज नहीं कर रहे हैं। वोट डालने के बाद बीजेपी सांसद विनय कटियार ने कहा कि राम मंदिर के बिना विकास, शिक्षा, रोजगार का मुद्दा बेकार है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनके रहेगा और इतना ही नहीं, विनय कटियार ने कहा कि अयोध्या में रहना है, मंदिर मंदिर कहना है। विनय कटियार ने यूपी में बीजेपी की जीत का भरोसा जताया। जंगे अवध का पांचवां पड़ाव। बीजेपी को फिर याद आए राम। विनय कटियार का बड़ा बयान, अयोध्या में रहना है, मंदिर मंदिर कहना है। यूपी विधानसभा की आधी से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है, लेकिन बीजेपी अभी भी राम राग अलाप रही है। पांचवें चरण में अयोध्या में वोटिंग के दौरान बीजेपी नेता विनय कटियार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में रहना है तो मंदिर मंदिर कहना है। कटियार ने कहा कि मंदिर के बिना सब कुछ बेकार है। यहाँ विकास भी दिया गया है, रोजगार भी दिया गया है, शिक्षा भी दी गई है, लेकिन राम मंदिर के बिना सब कुछ बेकार है। राम मंदिर चाहिए और राम मंदिर बन के रहेगा। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी कह रही ये 7 पसंद है कांग्रेस का और उनका ये 7 पसंद है नारा दिया है, तो जनता को तो ये 7 पसंद नहीं है। पूरी तरह से जनता ने नकार दिया उनके 7 को और इसीलिए उनकी दुर्गति होने जा रही। विनय कटियार ने ये भी कहा कि यहाँ कभी मस्जिद नहीं थी। आपको बताएं कि मंदिर का मुद्दा बीजेपी के घोषणा पत्र में है तो सही, लेकिन इसका जिक्र चुनाव प्रचार के दौरान ज्यादा नहीं किया गया। हालांकि विनय कटियार लगातार ये मुद्दा उठाते रहे हैं और कई बार इसे लेकर बयान दे चुके हैं। हालांकि अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास विकास को मुद्दा बता रहे हैं, तो कांग्रेस भी कटियार के इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है। कांग्रेस नेता निर्मल खत्री का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ विकास ही मुद्दा है। हमको राम मंदिर चाहिए, लेकिन ऐसा राम मंदिर नहीं चाहिए जो खून के गारा से बना हो, ऐसा राम मंदिर चाहिए जो दूध के गारा से बना हो। एक बहुत बड़ी हिंदू आबादी जो 80% के आसपास उत्तर प्रदेश में है, तो अगर वो उसी इशू से जुड़ी होती तो उसके बाद होने वाला जो चुनाव था जिसमें बीएसपी और समाजवादी पार्टी का पैक था बीजेपी के खिलाफ, उसमें बीजेपी को बहुमत मिलना चाहिए था, लेकिन बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। इसका मतलब आम हिंदू जनमानस ने उस एक्ट को कोई पसंद नहीं किया, नहीं तो इन्हें घर बैठे वो बहुमत दे देना चाहिए था और उस समय उसको उसका एक तोहफा पुरस्कार उनको दे देना चाहिए। फैजाबाद से अमिता पारुल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।